जो सूखा घोषित करने का जो सरकार ने पैमाना, जिस पैमाना के तहत उन्होंने सूखा घोषित किया इस जिला को, दो प्रखंड को, उसको पैमाना ही गलत था। किसी तरह सेटेलाइट से सूखा ग्रस्त का पैमाना नहीं हो सकता है। जिस दिन सरकार ने यह घोषणा किया, हम उसी दिन हमने मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री को हमने पत्र लिखा कि भोजपुर जिला के दो प्रखंड जो सूखाग्रस्त घोषित हुआ है, यह पूरी तरह गलत है। वह दोनों प्रखंड बाढ़ के चपेट में है और बाढ़ भी ग्रस्त घोषित है। जहां पर रोपनी ही नहीं हुआ, उस क्षेत्र को किस आधार पर सूखाग्रस्त घोषित किया गया? जहां जगदीशपुर हो, दिया हो, पीरो हो, संदेश हो, उदौत नगर हो, सहार हो, कुलवर हो, इस क्षेत्र में कभी भी पानी निचले छोर तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है। सभी नलकूप बंद पड़े हुए हैं और यहाँ का 60% से अधिक धान सूखा के चपेट में है, मुआर छिला रहा है। इसलिए पूरे भोजपुर को, जगदीशपुर सहित संपूर्ण भोजपुर को सूखा घोषित हो, हमने पत्र लिखा। इसके बाद हमने कृषि पदाधिकारी के यहाँ धान के सूखे फसल को हम लेकर दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं और इसको भी जगदीशपुर हो, चाहे उदौत नगर हो, बिहिया हो, और भी जितने ब्लॉक हैं, तरारी हो, जितने ब्लॉक जो सूखा से प्रभावित है, उसको जांच करके हम सरकार के यहाँ रिपोर्ट भेजने का काम करेंगे। और इसमें कल भी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री कल आए थे, वहां पर भी बात यह उठाया गया है कि संपूर्ण भोजपुर को सूखाग्रस्त घोषित हो। उन्होंने भी कहा है कि मैं भी सरकार से, राज्य सरकार से और भारत सरकार से भी मैं बात करूंगा कि जो भी भोजपुर के अंदर जितने प्रखंड है, सभी को सूखाग्रस्त घोषित हो।